एक तरफ प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के ऊपर बड़े बड़े दावे कर रही है, लोगों को राहत राशि देने की बात भी की जा रही है, वहीं हमीरपुर जिला के जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां के गांव कैडरू की एक महिला सरकार से आए दिन गुहार लगा रही है, लेकिन उसे राहत राशि के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है। दरअसल यह मामला पिछली बीती बरसात का है, जब कमलेश कुमारी का मकान बरसात के कारण गिर गया, लेकिन हमीरपुर जिला के अधिकारियों ने कमलेश कुमारी से राहत राशि देने के दावे तो कर दिए, उनसे कागजात भी जमा कर लिए, लेकिन अभी तक उन्हें राहत राशि के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि हाल ही में हुई बारिश में जो बाकी बचा मकान था वह भी कमलेश कुमारी का गिर गया है। आज कमलेश कुमारी की सास और बहू वो उनका बेटी वो बेटा आसियाने की तलाश में इस इधर उधर भटक रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कमलेश कुमारी की सास रसीला देवी ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जाए ताकि वे अपना आसियाना बना सकें। जी दादी जी, क्या नाम है जी आपका? रसीला देवी। दादी जी, आपका मकान गिरा था पिछली बरसात में। हाँ जी। कितने पैसे देने की बात की है सरकार? सरकार से बात तो एक ही पे 7 लाख मिलना, एक अभी तो मिला नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। तो जो आपके कागज थे सारे वो ले लिए हैं? ले लिए। तो अभी तक कितना समय हो गया कागजों को लिए? मेरे तो हो गया काफी समय, हो गया 3-4 महीने हो गए, 4-5 महीने। जब बरसात उसके बाद? हाँ, उसके बाद ही। तो मौके पर पटवारी आए थे? हाँ, पटवारी आया तब आए। तो राहत राशि जो है वो अभी तक नहीं मिली? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग रहे हैं दिया जो कुछ नहीं आज हो रहा है, क्या करके करे। घर में कमाने वाले कितने आदमी हैं? कोई नहीं है, यही जनवान जमाने बेचारी रोटी लिया दिहाड़ी ला दीता रोटी लिया यहाँ। कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं जो अभी आश्रय में नहीं है, मतलब आसरा नहीं है? किसी को नहीं आसरा। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं ना, मैं भी अजय पढ़ा लिखा रहे आहे अन सत्सन हुआ सियाने कने यही जा रही तो बहु बस। तो मुख्यमंत्री से क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे भाई, हमें जो दिया भाई कुछ मदद करा हम दी भाई, सब कुछ सुनाई करा था, सब किता हम भी कर गए।